हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि जो सोल शू सोल में येलोनेस आ जाती है उसको डीऑक्सीडाइज कैसे किया जाता है। तो डीऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे पहले हमें रेफ ऑयल चाहिए होती है, जिसको क्लिंग फिल्म भी कहा जाता है, और हमें चाहिए होगी डीऑक्सीडाइजेशन क्रीम, जो कि शू लाइफ की अपनी तैयार की हुई है। ये आप हमसे भी करवा सकते हैं, जिसके चार्जेस 400 रुपीज़ है प्लस क्लीनिंग के साथ। अदरवाइज आप खुद घर पे भी कर सकते हैं, जिसके 350 हैं, जो आप 5 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, 5 टाइम्स मतलब डीऑक्सीडाइज कर सकते हैं। यह है क्लिंग फिल्म और इसका दूसरा नाम है रेफ ऑयल। ये ली है हमने डीऑक्सीडाइजेशन क्रीम। अब हम आपको इसको अप्लाई करने का तरीका और इसके रिजल्ट दिखाएंगे। फिल्म को इस तरीके से बिछा लेना है, इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर ऐसे शूद रखना है। शूद रखने के बाद जो हमारी क्रीम है, हम उसको ब्रश के साथ ऐसे लेके अप्लाई करेंगे, थोड़ी मोटी मोटी लेयर बनाएंगे। जहाँ जहाँ पे येलो है वो पूरे में अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे साइड में भी अप्लाई कर देंगे। ये अच्छी तरह अप्लाई हो चुका है। अब आप ये देखिए हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे लेंगे और रैप कर देंगे इस तरीके से। इसको पूरा रैप करना है, जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई किया है ये पूरा रैप हो जाएगा। ये पूरा रैप करने के बाद अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी लॉन्ड्री शॉप है, शू लाइफ विकासपुरी में है। आप यहाँ से भी शूज़ लॉन्ड्री करा सकते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे एक बारी। ये देखिए, ये वर्क कर रहा है, अपने प्रोसेस में है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। अब हम इसको निकालेंगे, देखेंगे ये कितना प्रोसेस हुआ है। और ये हमारा प्रोसेस लगभग हो चुका है। अब हम टूथब्रश से इसको क्लीन करके आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से। इस तरीके से क्लीन करके और इसको कपड़े से साफ कर देंगे बस। और ये हमारी वाइटनिंग हो चुकी है, ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। देख रहे हैं आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग।